गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब मैं तो गरीब बन सकता हूँ और यहाँ पर अवेंजर्स की गुलामी हमेशा से करता आया हूँ, लेकिन सबसे शॉकिंग बात मैं आपको दिखाने वाला हूँ, टोनी स्टार्क भी यहाँ पर अवेंजर्स का गुलाम बन गया है। अबे फ्रैंकलिन और कितना मजाक उड़ाएगा यार, आइजन को देखो, मैं और फ्रैंकलिन पुअर और ये सभी अवेंजर्स अल्ट्रा रिच गॉड बन गए हैं। रातों रात ये इतने अमीर कैसे बन गए कि इनके पास जायंट हल्क का सूट भी आ गया है। गाइस ये सूट कितना विशाल है यार, काश मेरे पास भी इससे बड़ा सूट होता और मैं भी अल्ट्रा गॉड रिच था। हे फ्रैंकलिन मेरे सूट से दूर है। अरे थोड़ा सा देख ही तो रहा हूँ, फट गया रे, कितना बुरा फटा। अब तो गाइस अवेंजर्स छोड़ेंगे नहीं मेरे को, लेकिन मैंने किया क्या है? अरे बाप रे, हल्का सूट फाड़ दिया। और ये फ्रैंकलिन की गलती है, वो टोनी सर की भी क्या? नहीं गाइस हमारी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल गाइस यार, फ्रैंकलिन ने कुछ नहीं किया, वो तो देख रहा था। हल्का सूट फाड़ दिया, हल्क अल्ट्रा रिच गॉड है और हल्क से तुम जलते हो। ऐसी बात नहीं है यार, हमारी गलती नहीं है, प्लीज हमको माफ कर दे हल्क, प्लीज अरे नौकरी से मत निकालियो, मेरे घर से मुझे ही निकाल रहा है। निकल जाओ हल्क, तुम्हें ठुकराता है। गाइस कोई बचाओ इससे, ये तो दानव है। प्लीज लाइक करो वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कोई मत करना, ये लोग गरीब हैं, गरीब को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अरे बाप रे गाइस, ये क्या हल्क बोल रहा है, गरीब को कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन गाइस आप तो करोगे ना, प्लीज जल्दी लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब, क्या पता हमें कोई दूसरी जॉब मिल जाए। पहले तो यहाँ से भागते हैं। फ्रैंकलिन रुक तो, क्या हो गया भाई, भागने नहीं है? मेरी बात सुन यार, हम कब तक भागते रहेंगे, हमें कोई अच्छी सी जॉब चाहिए। लेकिन हम करेंगे यार, एक ही जॉब थी वो भी चली गई, मैं तो बस सूट को देख रहा था। फ्रैंकलिन मैं कसम खाता हूँ हम दोनों अमीर बनेंगे, फिर अवेंजर्स खुद हमें बुलाएंगे देख ले ज्वाइन होने के लिए। ऐसा लेकिन एक मिनट उधर देखना फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी जाता हूँ, कसम से आज तो बढ़िया सूट खरीदूंगा। अरे मैं भी जॉइंट स्पाइडरमैन का सूट खरीदूंगा। अच्छा हुआ हल्का सूट फट गया और मेरे को जॉइंट का सूट मिलेगा। देखा गाइस अवेंजर्स सभी मतलब ही है यार। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये अवेंजर्स इधर क्या कर रहे हैं भाई, और यहाँ पर मिक्सिट क्या कर रहा है? हाँ तो तुम लोगों को बहुत महंगे पड़ेंगे सूट। अरे हमारे पास बहुत पैसा है, बिल्कुल टोनी से खूब चुराया है। देखा फ्रैंकलिन ने खूब सोना चुराया है मुझसे। हाँ इतना ही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज का जॉइंट सूट और ये स्पाइडरमैन का जॉइंट सूट, ये जरूर देखना टोनी। एक मिनट टोनी स्टार्क, यार तेरे भी सूट है, गोल्डन आयरन मैन की पूरी फैमिली है। सोच ये सभी सूट तुझे और मुझे मिल गए, फिर तो हम दुनिया के सबसे अमीर रिचेस्ट आयरन मैन बन जाएंगे। लेकिन फ्रैंकलिन हम ये सूट लेंगे कैसे भाई, हम बहुत गरीब हैं। यहाँ पर देख स्पाइडरमैन को, अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा रिच बन गया, थोड़ा सा सोना बचा लेके चलता हूँ, कुछ खा लूंगा बर्गर सर्गर। फ्रैंकलिन यार क्या करें, एक मिनट वो रुक क्यों गए? अरे डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ फेंक दिया सोना? अरे उन्होंने कोई सोना गिरा दिया है, वैसे भी मेरा ही सोना है, मैं लूंगा उसको और जाके। एक मिनट लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज का सोना है या फिर स्पाइडरमैन का? अरे किसी का भी हो, सोना तो मेरा ही है ना। देख सामने पेटी पड़ी है सोने की। वाह फ्रैंकलिन इतने सोने में क्या पता एक यार गोल्ड आयरन मैन का सूट मिल जाए, थोड़े से तो रिच हो ही जाएंगे हम। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन सूट मैं पहनूंगा। अच्छा चल तू ही पहन लियो, मैंने तो हमेशा सूट ही पहना है। ओके गाइस चलो अब लेकर चलते हैं जल्दी से। बिल्कुल फ्रैंकलिन रुक जाओ, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अबे फ्रैंकलिन स्पाइडरमैन को पता चल गया, अरे तुम लोग हमारा सोना चुराते हो, भी पकड़ता हूँ। अबे वो मेरा सोना नहीं। अच्छा चलो तुम हो ही भिखारी, भिखारी को थोड़ी बहुत भीख देते हैं। हाँ हाँ, इतने सोने में वैसे कुछ नहीं हो पाने वाला, तुम लोग और के भिखारी। अरे यार ठीक है भिखारी है, अब तो प्लीज छोड़ दे हमको, निकलो। अरे गाइस कितना बुरा पीटा है स्पाइडरमैन ने। कोई ना तो नहीं है, एक ना एक दिन मैं और टोनी स्टार्क रिचर्ड्स बन के रहेंगे। बिल्कुल फ्रैंकलिन बिल्कुल बनेंगे। और अब अच्छा ये क्या, इतना पिट पिट का कैसे आया, चोरी का सोना लगता है। अरे सर ये हमारा ही सोना है, प्लीज इतने सोने में कुछ मिलेगा, प्लीज यार दे दो ना। अच्छा चलो ठीक है, इतने सोने में तुमको एक छोटा सा आयरन मैन का गोल्डन सूट मिल जाएगा। क्या बात है, गोल्डन आयरन मैन का सूट, बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसमें पावर काम नहीं करती। ये क्या कहना चाह रहे हो, मतलब आयरन मैन का सूट है और इसमें मैं उड़ नहीं सकता? बिल्कुल, उसके लिए तेरे को और पैसा लानी होगी, कम से कम $1 million, फिर तेरे को बढ़िया सूट मिलेगी। चल टोनी स्टार्क हमें 1 million और ढूंढने, मतलब कमाने, कुछ तो करना ही है। फ्रैंकलिन रुक तो, अरे वो सामने क्या हो रहा है? बुढ़ापे में ऐसा काम करवा रहा है, वो मेरे बच्चे को मार देगा और मैंने काम नहीं किया। मर गया वो नो, इतनी भरी गर्मी में बेचारे अंकल इतना भारी कंटेनर लेके जाते। अंकल अंकल आप ठीक है? ओ नो, मुझे लग रहा है फ्रैंकलिन की सांसें नहीं चल रही है। ऐसा बात नहीं, इनको उठा। फ्रैंकलिन यार कम ऑन मेरी हेल्प कर। अरे तू कर सकता है? अरे भाई मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। चल फाइनली मैंने इनको उठा लिया। मेरे बच्चों शुक्रिया तुमने मुझे बचाया, लेकिन मेरी जिंदगी से जरूरी मेरे बच्चे की जिंदगी है। मेरे बच्चे डेंटी, उसको किडनैप कर रखा है ना गोल्डन
मेरी बंजर ने, प्लीज उसको बचा लो नहीं तो वो हमको मार देगा। ठीक है सर, उन्होंने उसको बचाया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्या बात है फ्रैंकलिन, अगर हमने अंकल के बच्चे को बचाया तो हमको पैसे भी देंगे। क्या बात है अंकल, जरूर अमीर घराने के लगते हैं। बात तो सही कह रहा है। अरे मुझसे कब तक काम कराओगे? मैं तो क्या, चुपचाप काम कर। देख फ्रैंकलिन, वहां से आवाज आ रही है एक बच्चे रोने की और एक खतरनाक से हल्की। ओ माय गॉड गाइस, देखिए यहां पर ये गोल्डन रिवेंजर इस मासूम से बच्चे से घर बनवा रहा है। दोनों घर रिपेयर करने तुझे समझा, इनको फिर जबरदस्ती किसी को महंगे दामों में बेच दूंगा, बहुत पैसा मिलेगा। गाइस ये दोनों घर को इस मासूम बच्चे से रिपेयर करवा रहा है। फ्रैंकलिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? यहाँ पर जल्दी से तो कुछ बॉम्ब लगा दे इन घरों में। हाँ बात तो सही है, ये लगाया बॉम्ब, ये लगाया, बिल्कुल, और दूर जाके हम इसको ब्लास्ट कर देंगे। ये जैसी गोल्डन रिवेंजर अपने घर के गम में रोने लगेगा, तुम लोग कौन हो? अबे फ्रैंकलिन ने सारी बातें सुन ली, इतनी जोर जोर से मेरे पास बोलोगे तो कैसे नहीं सुनूंगा। अबे फंस गए। अरे टोनी स्टार्क, ये क्या तू चीख चीख के क्यों बता रहा था प्लान? निकलो यहाँ से, जान से मार दूंगा वरना दिमाग खराब। बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं लगाए इन्होंने, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। चलो बढ़िया ही है फ्रैंकलिन, तूने बॉम्ब तो लगाया था लेकिन पक्का नहीं है कि वो वहां पर काम करेंगे या नहीं। फ्रैंकलिन कोई बात नहीं है, कोशिश करने में क्या जा रहा है, तू बॉम्ब फोड़ कर देख। ओके गाइस चलो मैं ट्राई करता हूँ, मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। अरे वाह, हो गया, क्या बात है, वो घर चल गया, बहुत बढ़िया। अभी देख वो गोल्डन रिवेंजर कैसे परेशान होता है। हेलो गाइस जल्दी से उस डेंटी को बचाते हैं, वो बेचारा बच्चा। बेटा तू कैसा है? अंकल जी मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे बचा लीजिए। अच्छा अच्छा, अरे मेरा घर किसने चला दिया, बर्बाद हो गया। फाइनली एक मिनट रुको, मुझे पता था तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे, इसलिए मैं अपने घर गया था पैसा लेने। ये लो बेटा, झुक झुक गयो। वाह पापा जी, फाइनली आपने मुझे बचा लिया। अरे वाह गाइस, अंकल के पास इतना पैसा, हम तो देखिए हमारा टैग रिच हो गया है। अरे वाह फ्रैंकलिन, हम पुअर से रिच हो गए भाई, लेकिन इतने पैसों से हम कौन सा सूट खरीदेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे वाह बच्चे, कितना पैसा है, अभी तुम रिच लग रहे हो, $1 million लगता है, तो इतने में तुमको एक ऐसा सूट मिलेगा जिससे तुम उड़ सकते हो। फ्रैंकलिन वाला सूट मुझे पहने देना। नहीं नहीं नहीं, मैं पहनूंगा। गाइस मैं ले लेता हूँ ये Mark 50 गोल्ड वाला सूट, और आयरन मैन तू ये वाला ले ले, वैसे भी तूने हमेशा सूट ही पहने ना। चल ठीक है फ्रैंकलिन, तू भी क्या कर गया। वाह गाइस मैं उड़ रहा हूँ, पहली बार गोल्डन आयरन मैन के सूट में उड़ रहा हूँ। गाइस एक मिनट, क्या चल रहा है? मर गया। गाइस ये क्या हो गया? हल्का ट्रेडमिल, हल्का आज अपना साइज बढ़ाने वाला था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हल्क वापस से जायंट बनेगा, अवेंजर्स ने हल्क को बाहर निकाल दिया क्योंकि हल्क छोटा हो गया। ओ, वो हमारी गलती की वजह से हुआ था। कोई नहीं, प्लीज प्लीज तुम जल्दी जाओ और हल्का ट्रेडमिल के गुनाहगारों को सजा दो, उसके बाद हल्क तुम्हें बहुत सारा पैसा देगा। चल फ्रैंकलिन एक काम मिल गया हमको, वैसे भी हमें हल्क की मदद करनी होगी, उसको अपनी गलती का पछतावा हो गया है। ये बात तो तू सही कह रहा है, तो चल जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं तो चल ही रहा हूँ। गाइस ये देखिए, अबे टोनी स्टार्क के बंदे क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे बॉस ने अच्छी तरह से उसके ट्रेडमिल बॉम्ब लगाए थे। तुमने बॉम्ब लगाए थे? नहीं भैया, मैं बॉस ने लगाए थे, हमें क्यों मार दिया? चुपचाप बताओ तुम्हारे बॉस, हम नहीं बताएंगे, हमको मार देंगे। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार देंगे। अब बताओ हमारे हाथों से मरना है अपने बॉस के? अरे भैया बताते हैं, प्लीज वादा करो कि हमें मारोगे नहीं। हाँ चल, वैसे भी तेरा बॉस बाद में तुझे नहीं छोड़ेगा अगर तू हमें नहीं बताएगा तो। हमारा बॉस माउंट चिलियाट पर है, जाओ। इसका बॉस कौन हो सकता है फ्रैंकलिन? वो तो देखेंगे। गाइस चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। आ रहा हूँ भाई तेरे पीछे ही हूँ। गाइस जल्दी चलते हैं। एक मिनट, ये तो 3-headed जायंट रेडॉक निकला। अरे यार इसको हम हराएंगे कैसे, ये कितना विशाल है। मजा ही आ गया, मुझे की कसम हल्क को नहीं बढ़ने दूंगा आगे। ओ माय गॉड, इसके पास तो एक ट्रेडमिल है, अगर ये ट्रेडमिल मैं हल्क को आके दे दूं तो हल्क खुश हो जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, टोनी स्टार्क एक काम करते हैं, तू और मैं फाइट करते हैं, जैसे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारी फाइट से ये जरूर खुश होगा, क्योंकि अवेंजर्स अवेंजर्स से लड़ेंगे तो ये खुश होगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन मैं तुझे मारूंगा। अरे मुझे भी तो मारने दे, ये ले मैं तुझे छोड़ूंगा स्टॉक। अरे क्या हो रहा है, क्या? अरे मुआ कीड़ा कीड़ा लड़ रहे हैं, फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क की लड़ाई बड़ा मजा आ रहा है, मारो खत्म कर दो एक दूसरे को, छोड़ो मत। अरे बाप रे फ्रैंकलिन लगता है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, चल अपनी पावर इस्तेमाल कर। ठीक है गाइस ये मारा। अरे बाप रे धोखा, मेरे साथ धोखा, नहीं छोड़ूंगा। ऑल राइट गाइस, देखा रेडल पूरी तरह से डाउन गार्ड हो गया था, इसलिए यहाँ पर मैंने उसकी बैंड बजा दी। अब जल्दी से इस ट्रेडमिल को लेके चलते हैं ग्रीन हल्क के पास, और ये जो ट्रेडमिल है वो जरूर ग्रीन हल्क का साइज बढ़ा देगा और बदले में ग्रीन हल्क को बहुत पैसा देगा हमको। बिल्कुल फ्रैंकलिन इस बार मेरे को उड़ने वाला सूट चाहिए। ओके ओके, हल्क का ट्रेडमिल, वो
वाह तुम लोग बहुत अच्छे हो, हल्क तुमसे बहुत खुश हुआ। चल भाई अब सूट भी देगा हमको कोई, सूट तो नहीं है पैसा ले लो। अरे मेरा मतलब वही था, क्या बात है फ्रैंकलिन, इस बार तुम अल्ट्रा रिच हो गए, इस बार मैं जाऊंगा मैं सूट खरीदूंगा। ठीक है मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। गाइस मेरे पास कब तक मार्क वन रहेगा? हेलो मिक्सर साहब, वाह चलो इस बार तो और पैसा लेकर आ गए तुम, इस बार पूरा $40 million है, इतने में तुमको एक बढ़िया सा अल्ट्रॉन गोल्डन मिलेगा। क्या बात है फ्रैंकलिन, मेरे पास तो तुझसे भी अच्छा सूट हो गया, मार्क वन तो मैंने यही छोड़ दिया, बाकी मेरे पास अभी गोल्डन अल्ट्रा का सूट है। बेटा होनी स्टॉक जला क्यों रहा है मेरे को? गाइस क्या ही बढ़िया सूट है मेरे पास, आजा फ्रैंकलिन जल्दी चलते हैं। गाइस अभी मेरे पास है गोल्डन अल्ट्रॉन का सूट और फ्रैंकलिन के पास मार्क 50 का सूट, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी हमें और पैसे कमाने हैं, अवेंजर्स में जॉइन हो गए। एक बड़ी किसको बुला रहा है? हल्क को माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो, हमें भी माफ कर दो टोनी सर प्लीज, अवेंजर्स के पास वापस आ जाओ, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। हां तो आ गई नानी याद, चलो गाइस अब चलता हूं, आजा फ्रैंकलिन वो लोग हमें वापस से बुला रहे हैं। क्या बात है गाइस, अभी हम वापस से गाइस अवेंजर्स में जॉइन। एक मिनट, अवेंजर्स ही नहीं है तो जॉइन किस चीज में हूं? अवेंजर्स क्या हो गया? अवेंजर्स की आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड ये क्या हुआ? अबे फ्रैंकलिन ये फिर से धमाका, शुरुआत में भी तो ये याद है हल्क का सूट फटा था, मुझे लग रहा है ये कहानी वहीं से कनेक्टेड है। ये इतना खतरनाक ब्लास्ट किसने किया? कौन है आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे? मुझे पता करना होगा, लेकिन अवेंजर्स कहां पर है? अरे वो छोड़, हमें सबसे पहले आग बुझानी होगी। गाइस पता नहीं अवेंजर्स हैं कहां पर। ओह नो यार, एक मिनट अवेंजर्स, हल्क को माफ कर दो, तू कौन है? अरे मैं फ्रैंकलिन हूं, मुझे भूल गए, सॉरी मतलब टोनी स्टार्क कहां पर है? जल्दी आओ बाहर, टोनी स्टार्क बाहर ही है। बिल्कुल चलते हैं। या कौन जलाता है? जब जब तुम हमारे पास आते हो धमाके क्यों होते हैं? बिल्कुल, जब मेरा ट्रेडमिल फटा था तब भी टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन साथ थे। एक मिनट गाइस एक मिनट, चुप रहो, हम पे शक करने की जरूरत नहीं है, सामने देखो अवेंजर्स मर गए होंगे, मैंने शुरुआत से धमाके किए, टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन को फंसवाया, हल्क का सूट मैंने फाड़ा, हल्क का ट्रेडमिल मैंने फाड़ा, स्टार्क मेंशन को भी मैंने फाड़ा। क्या सबसे बड़ा गद्दार गाइस ये था? अब फ्रैंकलिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसने अवेंजर्स को भोला भाला बनाकर उनको उल्लू बना दिया। अरे भाई टोनी स्टार्क ये बहुत खतरनाक है, 1 to 10 कैसे बन गए? क्योंकि मैं हूं असली खतरनाक बाजीगर, अभी टोनी स्टार्क ये ला। अबे गाइस ये क्या, काश मेरे पास जायंट गोल्डन आयमैन का अल्ट्रा लेवल का सूट होता, उसके बाद मैं उसकी बैंड बजाता और निकला, अब स्टार्क मेंशन मेरा हुआ। नहीं स्टार्क अभी क्या करें? फ्रैंकलिन हम ऐसे बेवकूफी से अटैक करेंगे तो हारेंगे, मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, अगर हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं स्ट्रेटजी बनाकर तो रेड हुड की पूरी गैंग को हरा सकते हैं। अरे बाप रे मारो उनको, हमें हराओगे? अबे फ्रैंकलिन चल टीम के साथ काम करते हैं। ओके गाइस अभी यहां पर कमेंट में जल्दी से आयरन मैन ओपी लिख दो, अगर आप चाहते हो मैं और फ्रैंकलिन जीत जाएं और दुनिया का सबसे विशाल गोल्डन आयरन मैन का सूट भी खरीद लें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इनको हराना होगा जिससे कि एवेंजर्स खुश होकर हमें बहुत सारा गोल्ड दें। वाह फ्रैंकलिन मैंने तो उसकी बैंड बजा दी, मैंने भी सारे रेड हुड की बैंड बजा दी, अभी क्या करना है? जल्दी से चलते हैं एवेंजर्स के पास, हल्क को माफ कर दो, हल्क ने तुम पे दोबारा शक किया। बिल्कुल हमें भी, बदले में तुम्हें हम यहाँ पे पूरे $100 million का गोल्ड देते हैं। क्या बात है फ्रैंकलिन, चल जल्दी से यहाँ पर बैठते हैं। क्या बात है गाइस, यहाँ पर इतना बड़ा गोल्ड का पूरा ट्रक मिल गया और हमारा टैग देखिए, पहले हम अल्ट्रा रिच थे अभी गोल्ड अल्ट्रा रिच है। देखो गाइस रेडल को क्या पीटा है हमने, आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे इस फाइट को? 10 out of 10 या 10 out of 100 बताओ जरा। और वाह बच्चो इस बार तो पूरा ट्रक ले आए। अरे बिल्कुल मिक्सर, जल्दी जाता हूँ जल्दी जाता हूँ, इस बार जॉइंट सूट मेरे को चाहिए। चिंता मत करो, जॉइंट सूट को तुम दोनों पहन सकते हो, लेकिन बदले में सूट ले दो मेरे को। ठीक है ले लो। ओके गाइस बाकी सूट हमने मिक्सेट को दे दिए, क्योंकि ये सूट बहुत बड़ा था ना और महंगा भी था क्योंकि गोल्ड से बना है। बिल्कुल फ्रैंकलिन अभी इसको पहने, क्यों ना गाइस इसको साथ में पहने, अभी मैं और स्टॉक इस सूट को दोनों पहन पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।